नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। रुक कर लेते हैं यूपी 75 का। यूपी सरकार की पहल जीएसवीएम में 14 करोड़ रुपए से लगेंगे आधुनिक उपकरण व 5 ऑक्सीजन के प्लांट। लखनऊ में दुनिया के सबसे महंगी कैलिफोर्नियम के साथ में पकड़े गए 8 आरोपी, 177 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। शाहजहांपुर के भरगमा गांव में पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, भारी मात्रा में अवैध असलहों का जखीरा बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ की हैवत मऊ झील की पटाई और अवैध कब्जों को लेकर रिपोर्ट मिलने के बाद में डीएम ने 10 दिन में कार्रवाई करने के दिए निर्देश। गाजियाबाद में लॉकडाउन के दौरान भी बदमाशों के हौसले बुलंद, शराब से लदा हुआ टेम्पो लूटकर फरार हुए थे बदमाश, बीच रास्ते पलटा तो छोड़कर हुए रफू चक्कर। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के दौरान हुई तनातनी, पथराव तो कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो टीम है वो उस पर भी हुआ हमला। फर्जी प्रॉपर्टी डीलर पर बनकर करोड़ों की ठगी करने वाले योगेश तिवारी को किया गया गिरफ्तार, योगेश पर पहले से ही 80 केसेस हैं दर्ज। अवैध शराब पकड़ने आए पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया पथराव, तालाब में कूदकर बचाई जान। आगरा में पुलिस ने किया एनकाउंटर, गोली लगने के बाद में कुख्यात सनी देओल गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से बाइक और तमंचा बरामद। आईआरसीटीसी में नौकरी दिलाने का फर्जीवाड़ा, लखनऊ व बलिया समेत कई जिलों में फैला है जाल। देशभर में संस्कृत के पुरस्कृत विद्वानों को ऑनलाइन होगा सम्मान, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम घर भेजेगा पुरस्कार। वाराणसी की कैंट पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के आरोपित को किया गिरफ्तार, महिलाओं के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों को करता था ब्लैकमेल। राजधानी लखनऊ में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने, मस्जिद के इमाम पर आलमबाग पुलिस ने लाठी से किया वार, आरोपी सिपाही के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। रायबरेली में भाजपा नेता पर गुंडाई करने का लगा आरोप, भाजपा नेता ने ग्राम पंचायत अधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, घटना के बाद गुस्साए लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। चार अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान के तहत सीतापुर में पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुलायम सिंह की बहू को पुनः ब्लॉक प्रमुख बनाने का ऐलान, सैफई में 29 वर्षों से परिवार का दबदबा कायम। मुजफ्फरनगर में ध्वस्त हुई मस्जिद पर ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, यूपी पुलिस ने दिया जवाब। प्रयागराज के बहुचर्चित रचना शुक्ला हत्याकांड में एसटीएफ ने लल्लन को पकड़ा, दारागंज में मारकर जला दी गई थी लाश। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी बोले, अंतिम संस्कार पर प्रश्न चिन्ह उठाना निंदनीय। उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से खुलेगा कोरोना कर्फ्यू, जारी रह सकता है नाइट कर्फ्यू। बिजली कंज्यूमर्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी सौगात, कोरोना काल में दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी।
कोविड के खिलाफ यूपी में 1 जून से चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा अभियान, 1 महीने में 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। कानपुर में ब्लैक फंगस के नकली इंजेक्शन बेचने वाले का सामने आया पॉलिटिकल कनेक्शन, तमाम नेताओं के साथ फोटो वायरल। यूपी में कम होने लगे संक्रमण के मामले, 24 घंटे में 2,402 नए कोविड के केसेस मिले, 159 लोगों की मौत। सीतापुर में शादी के पंडाल में गिरा हाई टेंशन तार, 4 की मौत, दूल्हे के पिता समेत 3 लोग झुलसे। लखनऊ में मेट्रो, साई लाइफ और आशी अस्पताल पर FIR, जांच कमेटी रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई। लखीमपुर में पति ने पत्नी को बांके से काट डाला, अवैध रिश्तों के शक में घर के बाहर लगा रही थी कांटों की बाड़। पंद्रह जून तक वाराणसी के गंगा पार रेती में तैयार होगी नहर, पक्के घाटों पर बाढ़ में दबाव होगा कम। वाराणसी के महेशपुर में क्रिकेट खेलने के दौरान दो पक्षों में विवाद, ईंट से किया गया प्रहार, दर्जन भर लोग घायल, 1 की मौत। वाराणसी में समूहों के कार्यों में मदद न करने वाले बैंकों के शाखा प्रबंधक पर होगी प्राथमिकी। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में सारनाथ सर्किल का किया गया सृजन, 4 थाने किए गए समाहित। वाराणसी में उद्यमियों की समस्या दूर करने के लिए लघु उद्योग भारती ने लिया समूह बनाने का निर्णय। गोरखपुर के आसमान में 1 घंटे तक मंडराता रहा इंडिगो का विमान, वाराणसी में उतारे गए गोरखपुर के यात्री। कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार की 7वीं वर्षगांठ पर उत्सव नहीं मनाएंगे भाजपाई, रक्तदान कर लोगों को देंगे जीवनदान। गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल बेलगाम में सड़कों को फेंक रहे मानव अंग और कचरा, नगर आयुक्त ने जताई नाराजगी। दलित से रखवाई राम मंदिर की पहली ईंट, हनुमान मंदिर में बैठाया दलित पुजारी। गोरखपुर में बैंकों से 2 महीने में निकले 345 करोड़ रुपए, पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ी। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर गांव गंगा घाट पर 5400 वर्ग फीट में तैयार किया जाएगा विद्युत शवगाह गृह, कई जिलों से लोग आकर करते हैं शवों की अंत्येष्टि। प्रयागराज में घर से शादी समारोह के लिए निकला था बाइक सवार युवक, प्रयागराज में रास्ते में ट्रक बन गया काल। परिवार के लिए गौरव बने राहुल, प्रयागराज के फायरमैन के बेटे को मिला सेना में लेफ्टिनेंट का ओहदा। प्रयागराज कसारी मसारी में ताबड़तोड़ फायरिंग से मची खलबली, प्रयागराज में रिश्तेदारों के झगड़े में चली गोलियां, तहरीर पर आवश्यक कार्रवाई के लिए दिए गए निर्देश। नदी किनारे लड़की की गला घोटकर हत्या के बाद में बैठकर रोता रहा कातिल, प्रतापगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में दुकान में चोरी के लिए घुसे बदमाशों ने घेरने पर सिपाही की गोली मारकर
उसको जख्मी किया। कोरोना कर्फ्यू में कारोबार चौपट, व्यापार मंडल ने यूपी की योगी सरकार से दुकानें खोलने की मांग की। भारतीय सेना के पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मेरठ छावनी पहुंचे, कोविड के लिए किए गए इंतजामों का निरीक्षण किया। उधार दिया पैसा वापस मांगने पर कपड़ा कारोबारी को कोल्ड ड्रिंक में दिया गया जहर, हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म पीड़िता ने दी आत्मदाह की चेतावनी, स्वजन बोले इंसाफ न मिला तो करेंगे पलायन। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की पहल, खिलाड़ियों को देगा आर्थिक मदद, खिलाड़ियों के आवेदन फॉर्म प्रादेशिक संगठन भेजने की तैयारी। गाजियाबाद स्टेशन होगा रैपिड रेल कॉरिडोर का सबसे ऊंचा स्टेशन, एनसीआरटीसी ने तैयार रेल संचालन की वास्तविक रूपरेखा। राजनगरी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जमकर बरपाया कहर, कोरोना वायरस से 9 मौतें और एक्टिव केसेस 500 से कम। कोविड काल में तेजी से बन रहा रेणुका धाम का पुल, 2 साल में बनकर तैयार होगा ये पुल। पूर्व विधायक जमीर उल्लाह बोले शराब पीने से लोगों की मौत के मामले की हो सीबीआई जांच। अलीगढ़ पुलिस ने 60 दिन में 4,801 अपराधियों पर कसी नकेल, जिले में 20,000 से ज्यादा अपराधी चिन्हित किए गए जिनका सत्यापन भी शुरू हो गया है। मंडलायुक्त के निरीक्षण के बाद जवाहर पार्क के सुंदरीकरण में हटा अनुमति का रोड़ा, उद्यान विभाग ने नगर निगम को पार्क को संवारने की सशर्त मंजूरी दी। आईआईटी के पूर्व छात्र ने विकसित की तकनीक, व्हाट्सएप पर एक्सरे सेतु बनाएगा, कोरोना संक्रमण है या नहीं ये बताएगा। बीमारियों की देगी जानकारी, कानपुर ही नहीं लखनऊ, जालंधर और गाजियाबाद तक फैला नकली करेंसी का कारोबार। कोरोना कर्फ्यू के कारण कानपुर के मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई का लिया गया सहारा, स्मार्टफोन पर तालीम ले रहे बच्चे। कानपुर में एक मकान के 3 किरायेदारों के यहां पर 4 लाख की चोरी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की शुरू। बरेली में तेजी से कम हो रहा कोरोना संक्रमण, ताजा रिपोर्ट में सिर्फ 13 पॉजिटिव केसेस मिले। गुरुद्वारे में एक सप्ताह से रह रही महिला ने महिला सिपाही के साथ में की मारपीट, वर्दी फाड़ी महिला, उसकी बेटी व पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बरेली का शिक्षा विभाग एक भी शिक्षक की मौत कोरोना संक्रमण से नहीं मान रहा, कोविड पोर्टल पर नहीं एक भी नाम। क्राइम कंट्रोल करने के लिए यूपी पुलिस में शामिल हुए 323 सिपाही, कोविड नियमों के साथ हुई पासिंग आउट परेड। सपा के पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार के बेटे अतुल का निधन, लीवर की बीमारी से थे ग्रसित। यूपी विजिलेंस ने उजागर की, नगर निगम में हुई गड़बड़ियां, अवैध पशु वधशाला चलाने में 4 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा।
बरेली जल निगम ने बियावनी कोठी के पास में शुरू कराया सड़क निर्माण, सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क। मुरादाबाद में वोट ना देने वालों को ग्राम प्रधान ने दी धमकी, कहा गांव से बाहर करा दूंगा, एसएसपी ने जांच के आदेश दिए। नोएडा डीएम का बड़ा फैसला, कोरोना मरीजों से मनमानी फीस लेने वाले अस्पतालों से होगी ब्याज समेत वसूली। नोएडा में साइबर ठगों ने महिला को लगाया फोन, ओटीपी के जाल में फंसाकर खाते से निकाले 1 लाख रुपए। गाजियाबाद में येलो फंगस के मरीज की मौत, ब्लैक और सफेद फंगस की थी परेशानी, एक और मरीज आया सामने। गौतम बुद्ध नगर के शीर्ष अधिकारियों ने कोरोना वायरस के खिलाफ नोएडा को भारत में पहला पूर्ण टीकाकरण वाला जिला बनाने का संकल्प लिया। किसान दंपति ने पुलिस पर लूटपाट मारपीट का आरोप लगाया, मंत्री ने दिए जांच के निर्देश। औरैया में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक दंपति से सोने की चेन और नगद पैसे की लूटपाट की, फरार हो गया। पीड़ित दंपति थाने में दर्ज कराने पहुंचे शिकायत। सोनभद्र में अनियंत्रित पिकअप ने 2 राहगीरों को अपनी चपेट में लिया, राहगीरों की मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आधी रात में किया रक्तदान, यूपी के ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बचाई 6 महीने की बच्ची की जान। शाहजहांपुर के कांड थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच में हुई मुठभेड़, 25,000 के इनामी गैंगस्टर आजाद उर्फ बौना को किया गया गिरफ्तार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।